देवघर एसपी सुनी कुमार सिन्हा के नेतृत्व में देवघर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र एवं जामताड़ा जिला के करमाटांड थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 17 साइबर क्राइम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सभी युवकों के पास से भारी संख्या में मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड, चमचमाती वाहन एवं नगद बरामद किए। जिला प्रशासन के तत्वाधान में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नगर परिषद के सहयोग से संचालित वस्त्र वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंद आए और अपने जरूरत के व पसंद के कपड़ों के अलावा फूड पैकेट भी लिए। जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मामूली से विवाद रण क्षेत्र में बदल गया और जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो पक्ष के कई लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी मोहनपुर थाना प्रभारी लक्ष्मी प्रसाद मंडल को दे दी गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्ष पर कार्रवाई करने की बात कही। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताया जाता है की गाँव के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों के मोबाइल पर गाली से भरा व्हाट्सएप जारी किया गया था, जिसको लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ। रंजीत एगो गोविंद छिको एगो गोविंद छोटका बेटा छिको तो नाम किछ कर बिस्मलवा बिस्मलवा एगो की हलो छ की हलो है जिसने हटिया बाजार में झगड़ा करलको तो हमर छोटका नुनमा हमरा घर ऐसी ने कहलको मारलको ओरा दू चाटा ओ ऐसी ने डरे कहलको हम नहीं डरे ने कहलको हम नहीं डरे तो बड़का नुनमा जी हमर फोन लगेलको या सके और मैं बहन पूरा गरिया लागल जे मन से तो हमें अपन टाक मारे लाली का घर कर थी रे पूछबे ओकर बापा में तो ने घर करी ने घर करी तकर बाद की हला तकर बाद उ सब सब दौड़ दौड़ी आ गलो हमें एगो छलियो त एतना एगो बकरी छलो बकरीवा ले गलो दू बोरा धान ले गलो या सखरे उठे हम घर कर ले चोर हो चोर हो चोर हो दूसने हिलटो पकल कर लायलो। बड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने दर्जनों गाँव का दौरा ट्रैक्टर से किया और गाँव वालों से निवेदन किया कि 31 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर रैली में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होकर इस रैली को सफल बनाए ताकि केंद्र सरकार को यह दिखे कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान इस बिल का विरोध नहीं कर रहे बल्कि पूरे देश के किसान इस बिल के विरोध में। समाहरणालय स्थित सभागार में भक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित बैठक पीडब्ल्यूडी रोड, रेलवे, अडानी, जिंदल, एनटीपीसी, ईसीएल, एनएचएआई, इलेक्ट्रिक ग्रिड इत्यादि आहूत की गई। उक्त बैठक में महोदय के द्वारा भू अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द करें। गोड्डा जिला में बीते दिन 26 जनवरी को विभिन्न सरकारी गैर सरकारी जगहों पर हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर गोड्डा जिला के सुप्रसिद्ध ज्ञान स्थली में भी झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस बार विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत कम रखी गई थी। दूसरी ओर दोनों ही चौक पर इस बार पहली बार झंडोत्तोलन किया गया। समाहरणालय स्थित सभागार में भक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित बैठक पीडब्ल्यूडी रोड, रेलवे, अडानी, जिंदल, एनटीपीसी, ईसीएल, एनएचएआई, इलेक्ट्रिक ग्रिड इत्यादि आहूत की गई। उक्त बैठक में महोदय के द्वारा भू अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द करें। सुंदर पहाड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोड्डा के तहत चलंत लोक अदालत का शिविर लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया पॉलिनी टुडू के द्वारा की गई।